स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लोड नलो में। और जैसा कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, आप जानते ही होंगे, हमने पिछले वीडियो में बात की थी आपसे बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में। ये बताया था कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, फिर बेसिक लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट ये टू टाइप्स के होते हैं। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन कौन से? नैंड और सेकेंड नॉर। आपको हम पहले ही बता चुके हैं ये सब हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, कभी भी स्मॉल में नहीं लिखना है, नहीं तो फिर आपके पूरे के पूरे नंबर कट जाएंगे। तो नैंड गेट और नॉर गेट, इन्हें यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि इनकी हेल्प से आप कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन जो है उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी बूलियन फंक्शन इनकी सहायता से सॉल्व हो सकता है। इन गेट्स की वजह से कोई भी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं बूलियन से संबंधित या जितने भी डिजिटल में सर्किट जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, आप कोई भी गेट इनकी सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि नैंड से आप एंड और जो भी आप गेट बनाना चाहें वो आपको मिल सकता है। और यही सेम चीज़ नॉर के साथ भी होती है। मतलब कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी सहायता से बेसिक लॉजिक गेट्स प्राप्त किए जा सकते हैं आराम से, ठीक है। और ये हाँ, एक खास बात ये है कि ये खुद भी बेसिक लॉजिक गेट्स से ही इनके बने होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हमारा एक क्या कह सकें, एक बहुत बड़ा लाभ है, ठीक। अब बात करते हैं नैंड की। नैंड गेट क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट, ठीक है। जैसे कि आप अगर ध्यान से देखें तो एन नॉट का एन और एंड पूरा आप देख रहे हैं, लेकिन ये कई बच्चे गलती कर देते हैं कि ये एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन कहने के बजाय वो नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन कह देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ये क्या होता है? एंड प्लस नॉट होता है। इससे मिलके बनता है क्या? हमें मिलता है नैंड गेट, ठीक है। एंड फंक्शन और नॉट फंक्शन को मिला के नैंड फंक्शन मिलता है, ठीक है। हमने बताया कि एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन नैंड कहता है। कुछ लोग इसको देखते हैं तो बस हाँ भैया नॉट है प्लस एंड, तो ये पूरी तरीके से गलत है। सही क्या है? अगर आप एंड और नॉट को मिला के तब नैंड बनता है। ये एंड देख के आप नॉट पहले ना मान लें, ये एंड प्लस नॉट होता है, ठीक है। इसका ये कॉम्बिनेशन होता है, ये एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन है नैंड के। इसके बाद इसका अगर आप सिंबल देखें सिंबल से पहले एक खास बात यह है कि इसका एक्सप्रेशन जान लेते हैं, ऑपरेशन। इसलिए आपने अगर ऊपर वाली लाइन को ध्यान से देखा हो तो नॉट गेट है इसमें, तो इससे क्या मिल रहा है? इसका जो ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट, ये एंड गेट फंक्शन। तो ये क्या हमें ऑपरेशन इसका मिल रहा है कि एंड गेट का जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा वही नैंड गेट का फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन देख लेते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन, आप एक चीज जानते होंगे कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, जो भी है उसका उल्टा। अगर जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, हम पहले ही आपको बताए हैं। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? आपको बहुत पहले बताए थे एंड गेट का, पहले आप बूलियन एक्सप्रेशन याद कीजिए। क्या था बूलियन एक्सप्रेशन? था ए डॉट बी, ये एंड गेट का एक्सप्रेशन था। तो इसमें क्या करेंगे हम? बार लगा देंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट या ए डॉट बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार या तो
ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। आप इसको अगर जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ए डॉट बी या एंड गेट का जो भी फंक्शन था उसको हम उल्टा कर देंगे। उसका जैसे एंड गेट में अगर जीरो आपका आउटपुट आ रहा है तो उसमें इसमें क्या हो जाएगा, वन आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सिंबल की। सिंबल ऊपर पढ़ रहे हो फिर से तो याद आ जाए आपको कि एंड और नॉट का जो भी कॉम्बिनेशन है वही इसका एंड गेट का है। तो क्या है ये, हम पहले क्या बनाएंगे, एंड गेट बना लेंगे। एंड गेट बनाना याद है ना, कुछ इस तरीके से होता था एंड गेट। ये एंड गेट हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस नॉट गेट। नॉट गेट भाई याद है ना, ये नॉट गेट। एंड और नॉट का जो कॉम्बिनेशन होगा वही होगा नैंड गेट। जैसे एंड हो गया ये एंड गेट, इस नॉट गेट इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, नैंड गेट। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये नैंड गेट का है। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ये नैंड गेट का, एंड गेट का। ये जो भी जैसे हमें ए डॉट बी दिए, एक ये इधर से एक इनपुट ए दिया और इधर से एक इनपुट बी दिए, तो यहाँ एंड गेट का क्या आएगा, हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, ए डॉट बी। अब ए डॉट बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें यानी नॉट गेट लगा दें, याद हो इसको, तो हम आपको पहले बताए थे कि ये जो जहाँ पे भी ये साइन लग जाएगा, ये जो ये आप डॉट देख रहे हैं या जो ये उस सर्कल साइज का देख रहे हैं, ये जहाँ पे लग जाएगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट ही होगा। ये जैसे लगा वैसे कॉम्प्लीमेंट। और इसके बिना पिछले वीडियो में बताए थे कि कुछ ऐसा अगर आपको दिखे तो ये बफर गेट है, बफर फंक्शन है। मतलब जो इनपुट देंगे वही आउटपुट मिलेगा और यहाँ जो इनपुट देंगे उसका आउटपुट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे ए डॉट बी मिला। अब इसका ए डॉट बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो ए डॉट बी आउटपुट जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा या ए डॉट बी का, ठीक है। और इसका एक और सिंबल आपको अगर दिख जाए तो वो भी गलत नहीं है, वो ये है। एक और सिंबल होता है कि भाई हम एंड गेट बना लें सीधे सीधे और उसके बाद यहाँ पे ये सर्कल बना दें, कॉम्प्लीमेंट लगा दें, तो ये भी नैंड गेट का सीधा सीधा सिंबल है। ये हमारे आउटपुट यहाँ पे सीधे सीधे हमें ए डॉट बी का बाहर आएगा। ये भी एक सिंबल है इसका। और एक और सिंबल होता है कि इन्वर्टेड, इसे इन्वर्टेड और गेट भी कहते हैं। मतलब हम ये जो ये वो लगा रहे थे इसको पहले ही लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट पहले लगा देंगे और गेट का, इसे इन्वर्टेड और गेट भी कहते हैं। इन्वर्टेड और गेट ये भी नैंड गेट ही है। ये भी हमें जो मिल रहा है ये नैंड गेट ही है। ए बी, ए बी का वो जो भी आउटपुट आएगा। अब अगर आप देख रहे हो तो हमने ए प्लस बी लिख दिया है। ए प्लस बी अगर कैसे समझेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, जैसे कि अगर देखें डी मॉर्गन्स लॉ कहता है अगर हमें बार कहीं पे भी बार लग गया है तो उसको उसमें क्या करते हैं, जो भी साइन रहता है चेंज द साइन, ठीक है। अगर हमें वाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी लग गया तो हम इसको इस जो भी साइन रहेगा
उसको चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार, बार का बार ही रहेगा और डॉट पे अगर बार लगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस पे बार लगा तो ये साइन इसका डॉट में बदल जाएगा, ए बार प्लस बी बार, ठीक है, ए बार प्लस। ये भी एक तरीके का और गेट है, इसे इन्वर्टेड और गेट इसीलिए कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंबल, हमने बता दिया इसके क्या क्या सिंबल थे, अब आते हैं इसकी ट्रुथ टेबल पे। बेसिक लॉजिक गेट्स में हमने आपको ट्रुथ टेबल बनाना बताया था, तो हमने जैसा कि आपको पिछले जो भी सिंबल था ये याद कर लीजिए, ए और बी ये इनपुट्स थे और यहाँ मिला मैं आउटपुट ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये हमारा आउटपुट होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसा कि देख रहे हैं तो हमें कितने इनपुट्स हैं, दो, कौन कौन से इनपुट्स हैं, ए और बी इनपुट्स, ठीक है, दो इनपुट हैं, टू की पावर एन वाला फॉर्मूला याद कीजिए, कितने वो बनेंगे इनपुट्स बनेंगे, की पावर टू इज प्लस टू, तो हमें क्या क्या मिलेगा, जीरो जीरो वन वन, और बी में क्या रहेगा, जीरो वन जीरो वन, ठीक है, इनपुट हो गया। अब आते हैं आउटपुट की ओर, आउटपुट का आपको हम समझाने के लिए बता दें, तो यहाँ पे हम जैसे कि चित्र में बताए हैं कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, तो अगर जिनको याद ना हो ए डॉट बी क्या होता था वो ये देख लें, उसके बाद जो हमारा मेन आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, आउटपुट y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो भी ए डॉट बी होगा उसको भाई हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये हमारे इनपुट हो गए, अब हमें ए डॉट बी याद करने के लिए क्या है, जीरो जीरो ए डॉट बी जब करते थे तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते थे जैसे कि ऑपरेशन बताए थे, तो ये जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो और वन वन, मतलब कि इसमें जब केवल इनपुट हमारा हाई तभी होता था जब हमारा जो आउट इन जब हमारा आउटपुट तभी हाई होता था जब जो इनपुट है वो दोनों ही हाई रहे, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई जीरो है कोई वन है तब हमारा इनपुट हमेशा आउटपुट हमेशा जीरो होता था, लेकिन जब इनपुट हमारा दोनों वन रहता था तभी ही जीरो वन होता था आउटपुट, कोई भी एक जीरो है तो हमारा आउटपुट वन नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई ए डॉट बी आ गया, तो हमारा मेन आउटपुट ए डॉट बी तो है नहीं क्योंकि एंड गेट फंक्शन का कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट का भाई सीधा सीधा है, जीरो है वन, जीरो है यहाँ इसका लिखा वन, जीरो है वन, कुछ याद आ रहा है, इन्वर्टेड और गेट, और गेट में यही होता था सेम, ये जो आप देख रहे हैं यही होता था, यही इन्वर्टेड और गेट का वो है साइन, तो ये नैंड गेट हमें मिल गया। इसमें क्या है, जब दोनों आउटपुट जो दोनों इनपुट हैं आपके, पहले जो ये वाले इनपुट्स हैं ये अगर वन हुए तब हमारा आउटपुट जीरो होगा, एंड अदरवाइज ये सारा जितना भी आउट इनपुट्स है वो सब वन हो जाएगा, इनपुट्स अगर एक भी वन है तो वन रहेगा आउटपुट, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आप याद कर लीजिए, व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई हाई then output will be zero, मतलब अगर हमारे दोनों जो भी inputs हैं अगर वो one होंगे तब हमारा output जो होगा वो zero होगा, वो change हो जाएगा, otherwise it will be high or one in other case, ठीक है।
तो ये आज हमने बात की नैंड गेट के बारे में, और वीडियो ज़्यादा न लंबा करते हुए हम आपसे आज विदा लेते हैं। धन्यवाद, और देखते रहिए हमारा चैनल लोड ना लो, और सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जितना भी हो सके उसको हमें सपोर्ट कीजिए, और हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे नॉर्थ गेट के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।